हाय एवरीवन, सो आज हम एचसीवी का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 43। सो इट सेज अ लार्ज कंडक्टिंग प्लेन हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी 10 रेज टू द पावर -4 कूलम पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ क्यूबिकल वॉल्यूम ऑफ एज 1 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द प्लेन। ओके, सो व्हाट इज गिवन, हमारे पास एक कंडक्टिंग प्लेन है एंड इसमें जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है उसकी वैल्यू है 10^-4 कूलम पर मीटर स्क्वायर। सो अगर आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी पता है देन आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, दैट विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज ये जो प्लेन है ये कंडक्टिंग प्लेन है और इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दैट विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप देखो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो जब भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को कैरी करती है। यू, जहाँ पर भी आपके पास ई होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ पे आपके पास यू दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, अगर मैं डिफरेंशियल टर्म्स में बात करूं, DU/dV, ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी DU/dV, कितनी पोटेंशियल एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, DU/dV, इसकी वैल्यू होती है ½ εo E², राइट। सो आप देखो इस पर्टिकुलर केस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं E की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ, सो हाफ एप्सिलॉन नॉट E² कितना हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। सो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 εo। सो ये है आपके पास DU/dV। सो क्या मैं DU = σ² / 2 εo · dV लिख सकता हूँ, उसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में भेज दिया। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ DU दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म, इंटीग्रेशन ऑफ DU दैट इज टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे देखो कि सिग्मा कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट सब कांस्टेंट है, सो ये पूरा बाहर हो जाएगा, सो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 εo बाहर हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ DV दैट इज टोटल वॉल्यूम, है ना, सो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 εo इंटू टोटल वॉल्यूम। कितने वॉल्यूम में आपको पूछा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, आपको दे रखा है कि आपके पास एक क्यूब है, इस क्यूब की जो एज है वो आपको 1 cm दे रखी है, राइट, 1 cm। सो अगर मैं ऐसा ही यूनिट में बात करूँ, सो जो एज होगी, जो साइड होगी, दैट विल बी 10^-2 m। सो जो वॉल्यूम होगा क्यूब का दैट विल बी a³। सो दिस विल बी 10^-2 का क्यूब, सो दिस विल बी 10^-6 m³। सो ये वॉल्यूम आ गया। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है, यहाँ पे आपको जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। सिग्मा आपको दे रखा है 10^-4, राइट, उसका स्क्वायर इंटू वॉल्यूम कितना था, 10^-6 डिवाइडेड बाय 2 εo, कितना होता है 8.8 × 10^-12। सो ये आपका आंसर आ जाएगा जूल में, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको सॉल्व करो, 10^-8 × 10^-6 डिवाइडेड बाय 2 × 8.8 × 10^-12। सो पावर को पहले सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 10^-14 और ये ऊपर जाएगा, सो 10^-12 हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 10^-2। ओके, 1 / 2 / 8.8, सो 0.056। तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.056 × 10^-2, और हम कह सकते हैं कि 5.6 × 10^-4 जूल, ना, इतनी एनर्जी स्टोर होगी उस क्यूब के वॉल्यूम में। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, कीप वर्किंग हार्ड, मिस्टर फ्लैग।